वैक्सीन जिस तरीके से बनाई गई है ये नए वेरिएंट पर भी काम करेगी। वायरोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि म्यूटेशन के बाद वायरस कमजोर हो गया है, वैक्सीन के बाद दोबारा इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही कम है और अगर वैक्सीन के बाद किसी को कोरोना होता भी है तो इसका प्रभाव बहुत गंभीर नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी वैक्सीन पर फिर से एतबार जताया है। आज 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देश में दी जा चुकी है। अभी भी अगर किसी को देश में जरा भी संदेह है वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में, वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में, तो उनको अपने दिमाग से सब प्रकार का जो दुष्प्रचार का प्रभाव है उनके मन पर उसको निकाल देना चाहिए। भारत ने जिस तरह से सबसे तेजी से वैक्सीनेशन किया है उससे उम्मीद है कि भारत वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य को वक्त पर हासिल कर लेगा। भारत ने महज 24 दिन में 60 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि अमेरिका में 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने में 26 दिन लगे। ब्रिटेन में 46 दिन में 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया गया। भारत के 12 राज्य ऐसे हैं जहां टीकाकरण लाभार्थियों में से 65% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 13 फरवरी से वैक्सीनेशन की दूसरी डोज मिलनी शुरू होगी और मार्च से 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी। जाहिर है जब वैक्सीन पर इतना भरोसा होगा तो फिर नए वेरिएंट पर भी इसके असर की पूरी उम्मीद है। जानकारों का ये भी मानना है कि ब्रिटेन में आए नए वेरिएंट पर वैक्सीन के सफल असर से ये साबित हो जाता है कि कारगर है और अर्थव्यवस्था पर भी अब कोरोना का कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर कोरोना काल की बहुत जल्द विदाई होनी चाहिए और देश की इकोनॉमी अनुमानों के मुताबिक दोहरे अंकों की विकास दर के साथ दौड़ेगी।